पेड़ा राम जी, आप लड्डू सिंह सर को लेकर आइए, मैं उसे रोकता हूँ। शिवा 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 शिवा। बच्चे, ये रास्ता क्यों रोका है? साइकिल हटाओ जल्दी। बच्चा नहीं कहना अंकल। Allow me to introduce myself. I am Shiva. आपने सिग्नल तोड़ा, एक्सीडेंट किया, चलिए पुलिस स्टेशन चलिए। अगर नहीं गए तो तुम क्या करोगे? राधे, जरा ठीक तो कर दे इसे। अभी लो। मैं कोई खराब मशीन नहीं जिसे तुम लोग ठीक कर दोगे। अच्छा लड़ते हो, तुम्हें याद रखूंगा, शायद कभी जरूरत पड़े। Hands up! मेरे इलाके में सिग्नल तोड़ा, एक्सीडेंट किया। यहाँ से 50-50 कोस दूर कोई सिग्नल तोड़ता है तो लोग कहते हैं कि मत तोड़, लड्डू सिंह आ जाएगा, और वो सिग्नल तोड़ना तो दूर, कार चलाना ही बंद कर देता है। बहुत बोलते हो इंस्पेक्टर, आई एम बॉडी बिल्डर। मैं बॉडी ही नहीं बिल्डिंग भी बनाता हूँ। कार वो ड्राइवर चला रहा था, उसका नाम राधे है, उसे पकड़ के जो सजा चाहिए दीजिए। और बच्चे, मैं तुम्हें याद रखूंगा, मैं बॉडी ही नहीं बिल्डिंग भी बनाता हूँ, और बिल्डिंग बनाने वालों की याददाश्त सीमेंट की तरह पक्की होती है। बॉस, ये क्या किया आपने? अपना आदमी पकड़वा दिया। हम बॉडी ही नहीं बिल्डिंग भी बनाते हैं। बॉडी बनाने वाले अक्ल से काम लेते हैं, और बिल्डिंग बनाने वाले सब्र से काम लेते हैं। बाबू, टेंशन में कभी ना होना बेकाबू, अपना आदमी तो अभी ही लौट के आ जाएगा, लेकिन इस शहर का बच्चा बच्चा शहर छोड़ के भाग जाएगा। बच्चा बच्चा शहर छोड़ जाएगा, लेकिन क्यों बॉस? बॉडी तो मैं अपने घर में बना सकता हूँ, लेकिन शहर बनाने के लिए मुझे जमीन चाहिए, और वो परफेक्ट जमीन जैसी मैं चाहता हूँ वो है ये वेदा शहर। इसके चारों तरफ पहाड़, समंदर और नदी का ऐसा तालमेल है जो कि बहुत कम शहरों में मिलता है। यहाँ मैं बनाऊंगा अपनी ड्रीम सिटी। बॉस, मॉडल तो शानदार है, लेकिन ये वेदा शहर खाली कैसे होगा? भूतों की मदद से। क्या, भूतों की मदद से? हाँ, भूतों की मदद से। मेरी कुछ भूतों से दोस्ती हो गई है। बचाओ, बचाओ! बॉस, बॉस! भूत, भूत, भूत! भागो, भागो! वेरी गुड, वेरी गुड! ये है मेरे साइंटिस्ट दोस्त खोजी लाल की नई खोज। बॉस, ये तो बिल्कुल असली दिखाई दे रहा था, हम लोग तो डर गए। और यही डर वेदा शहर को खाली कराएगा। सोचो, जब तुम लोग डर सकते हो तो आम शहरियों का क्या हाल होगा? वो तो भोले भाले लोग हैं, वो तो डर के मारे इस शहर से ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं। Oh!
शिवा, ये अचानक घोड़ों के पैरों की आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज तो सामने की गली से आ रही है, मगर इतनी रात घोड़ा कहाँ से आया? शहर भूत के डर से खाली हो चुका है। इस भूत के बारे में आपका क्या कहना है? मेरे इलाके में भूत हो ही नहीं सकता। यहाँ से 50-50 कोस दूर जब भूत आता है तो लोग कहते हैं भाग जा, वरना लड्डू सिंह आ जाएगा और भूत भाग जाता है। सोचो लड्डू सिंह आया नहीं और भूत भाग गया। अगर लड्डू सिंह आ जाता तो क्या होता, बोलो। आज रात तुम्हारे पुलिस स्टेशन में भूत आएगा, फिर देखें तुम क्या करते हो लड्डू सिंह। ये किसी आदमी की चाल है जो वेदा शहर को खाली कराना चाहता है। देखो डॉगी कितना डरा हुआ है कि ये पहली बार हमारे साथ पेड़ पर बैठा हुआ है। ये कोई भूत नहीं, एलियन है जो भूत की तरह दिखता है। मेरे मम्मी पापा तो वेदास छोड़ के जाने की सोच रहे हैं। ये हमारा शहर है और हमें कोई खाली नहीं करा सकता। आज रात हम उस भूत की असलियत सबको बता देंगे। सुनो अब क्या करना है। लगता है शहर में भूत आ गया। ए छोड़ो। ए इंस्पेक्टर, गुड इवनिंग। इंस्पेक्टर, मेरा दोस्त खो गया है, उसे ढूंढ दोगे? घोड़े पे सवार है, बड़ा हैंडसम है, प्लीज रिपोर्ट लिख लो। कैसे लिखूं? हाथ तो रुक ही नहीं रहे। हाय, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये इंस्पेक्टर बहुत अच्छे हैं, इन्हें अपने साथ भूत नगरी में ले चलते हैं। ना 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 ना